और इस बच्चे को व्हीली देखने का बड़ा शौक है। तो फोन चुन लिया हम लोग, हेलमेट पे जाएगा इस पॉइंट पे, एकदम सेंटर में लगाइएगा और चिपकने जा रहा है। यहाँ पे एक टेनार है ब्लैक में और एक टेनार यहाँ ग्रीन में है। हेलो गाइज, आई एम शेखर, यू गाइज आर वॉचिंग थ्रॉटल बार। और आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कस्टमाइजेशन शॉप। और वहाँ पे सबको मज़ा आता है, चाहे तुम्हारी बाइक हो ना हो, भले दूसरे की बाइक देख रहे हो, लेकिन कस्टमाइजेशन शॉप में मज़ा तो आता है, नो डाउट। अभी हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं स्मिथ भैया के पास। एक्चुअली उनको ही मैंने कुछ डिज़ाइन भेजे, उनको पसंद आ गई, उनको अपने ड्यूब पर कराना था। तो लेट्स सी कि क्या प्लान है आगे का, है कि नहीं है, वो जाके उन्हीं से मिल के बात करते हैं। तो पहुँच चुके हैं स्मिथ भैया के पास। बताइए आज का क्या प्लान, क्या सीन? यही प्लान है, हम लोग रेडी वेडी हो रहे हैं, अपनी ड्यूक निकालते, ड्यूक निकाल के ग्राफिक्स बनवाएंगे जो तुमने कल भेजा था। हाँ, एक्चुअली हम कल कलर हम लोग चूज करते हैं, कलर अपना डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ग्राफिक बहुत तगड़ा था। कल रील पे हम स्क्रॉल कर रहे थे, वो दिख गया कुछ अच्छा था, तो हम देखे कल आपकी ड्यूक भी हम कल देखे थे ब्लैक वाले, हम बोले मस्त सूट करेगा, बिजी आदमी। अरे ये तो ओजी है, 500 का पड़ा है मेरे को, पता है कि परफेक्ट फिट फिनिश लग रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ अगली लग रहा है। ये डोमिनार का ना, ये ऊपर रहता है, ये नीचे रहता है, पर मैंने देखा ना मेरा ग्राफिक कैसे आ रहा है, तो हमको उल्टा लगाना था। डोमिनार में एरो ऊपर रहता है, हाँ, और हमको, और ये इतना तगड़ा फिट हुआ ना इसके अंदर जाके बैठ गया, वही हम बोले बजाज का कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे तीनों बाइक आ चुकी है, 390 390 160, और इस बच्चे को व्हीली देखने का बड़ा शौक है, पर हमको आता तो हम करते व्हीली मारने। किसको बोले वो आ रहा। तो ये हो गया व्हीली से दिन शुरू। तो गाइस डिज़ाइन वगैरह दिखा चुके हैं और यहाँ पे कलर टेस्ट करने आए हुए हैं। तो भाई अब आ चुके शाम मोटो और यहाँ पे भाई ग्राफिक्स के लिए ना मैंने कलर चूज़ कर रहे हैं, इसका लगा के चेक कर रहे हैं भाई कौन सा दूसरा वाला, मतलब दोनों बहुत सिमिलर लग रहा है भाई, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ ये जी चल रहा है, तो ये वाले से करवाते हैं ग्राफिक्स। ये देखो भाई स्ट्रीट बर्नर, स्ट्रीट बर्नर हम इसी से कर देते हैं। सही है भाई, सही है, ज्यादा ना टेंशन नहीं होता भाई, ज्यादा टेंशन नहीं, निकालो डालो वाला सीन है। क्या 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 निकालो डालो क्या क्या भाई। आज का डेली ब्लॉग हम दोनों का सेम दिखेगा। अब रैप निकल चुका है और चिपकने जा रहा है। कैसा लुक आ रहा है भाई, लगने के बाद पता चलेगा। ना ना नीचे रख, नीचे ऊपर काट दीजिए, ऊपर कटेगा, कटेगा कोई बात नहीं, काट देना, ये ज्यादा काट के टैंक तक ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उसको टैंक पे लेकर चल जाओ, थोड़ा बहुत स्क्रैचेस था पहले से, उसको हटा रहे हैं। और यहाँ पे पीछे 390 लिखा है, जो कि हल्का फुल्का दिख रहा है, लेकिन वो भी ग्राफिक के वे में चला जा रहा है। और अपनी बाइक इधर है, सोच रहे इस पर ID वगैरह लिखवा दें, बहुत सारा फुटेज चोरी होता है। तो लेट्स सी हेलमेट को इस पर थ्रॉटल बार का कहीं स्टिकरिंग करा देंगे या फिर रहने देंगे अभी। और ये देखो इसमें पूरा परफॉर्मेंस पार्ट डला हुआ है KTM का। तो गाइज अपने हेलमेट पे ID लिखवा लेते हैं। तो फॉन्ट चुनना है, फॉन्ट एक दो तो चुनते हैं, कोई बॉक्सी सा। देखो मेरा PC रहता तो मेरे PC में बहुत सारा फॉन्ट है पहले से, अब फॉन्ट का नाम नहीं याद है, बात ये है यार। अब तो फॉन्ट मिला नहीं, तो अपन ने फॉन्ट डाउनलोड करने का सोचा है। अब यहाँ पे एक अच्छा सा बॉक्सी सा फॉन्ट ढूंढते हैं, नहीं पूरा ही फैलेगा, जैसे हमको लग रहा चिपक गया कुछ सेटिंग से। नहीं ठीक है, हाँ तो बस वही टी अलग हो गया ना। तो फॉन्ट चुन लिया हम लोग, हेलमेट पे जाएगा इस पॉइंट पे ब्लैक कलर से, यहाँ पीछे में, और तो कहीं जगह है नहीं, ब्लैक से निकाल रहा है ना। मशीन हो गई चालू, ब्लैक पे निकलेगा अपना पहला प्रिंट। और बहुत टाइम से यार मेन है ना कि फुटेज बहुत चोरी होता है, अगर ID नहीं लिखी रहती है तो वही अब सोच रहे हैं कि लिखवा ही लेते हैं। और ये रहे ऋषि भैया हमारे फ्रॉम श्याम ऑटो, इनको सारे लोगों को जान ही रहे होंगे। मत जानो क्या, क्योंकि हम इसको ऐसे पकड़ते हैं, लगाइए एकदम सेंटर में लगाइएगा, सेंटर में लगेगा, साला रेड से लिखवा लेना था, पर पीछे सूट नहीं करता ना, ना ऊपर से ब्लैक वाइट है, मस्त लग रहा है ना।
परफेक्ट बनाया गया है, अच्छा लग रहा है। यहाँ साइड में भी है लेकिन इधर नहीं कराएंगे, ज्यादा हो जाएगा। ओवर देखो भाई, ओवर कुछ भी बेकार लगता है, टेस्ट फुली मॉडिफाइड रहता है। एप्पल के फोन में देखना सिर्फ एक एप्पल का लोगो रहता है, ऐसा नहीं कि एप्पल और ये जैसे सैमसंग में देखो बहुत कुछ लिखा रहेगा, इधर सैमसंग इधर ये वो बहुत टूट गया भाई, टूट गया भाई, मोए मोए नहीं भाई, इसको चेंज करवाना पड़ेगा। सही है ना, चेंज होगा तो टूट गया था, ये तो क्रेजी हो गया भाई। सो गाइस ये भी आ गया है 390 का, ये चेक कर सकते हो गाइस। और जिसकी बाइक है उसका बस ब्लॉग नहीं बन रहा है, बाकी सब बना ले रहे अपना उसको मतलब ही नहीं है भाई। और ये रहा श्याम ऑटो अपना, यहीं पे आए थे। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा कावासाकी के शोरूम। दो हेलमेट दो गोप्रो, समझ रहे हो, वो भी 12 में दोनों। हाँ अगर हेलमेट ही मिला दे तो बाइक आ जाएगा। चलो तो गाइस दिन, और यहाँ पे हमेशा इन लोगों का धंधा हो गया, इन लोगों का एकदम धंधा हो गया। हम बताएं यहाँ पे कैसे छूटे हैं फ्रूटी पिला के। सो गाइस हियर वी आर, 10R पे 10R है, स्नैप तो बनता है यहाँ पे। सो गाइस हियर वी आर, हम लोग अभी कावासाकी के शोरूम में, ऐसा आप देख सकते हो बाहर इसके बाईपास से जस्ट इधर, और यहाँ पे देखो कौन कौन सी खड़ी है। आपकी निंजा 300 भी है, यहाँ पे एक 10R है ब्लैक में, और एक 10R यहाँ ग्रीन में है। अरे वो वर्सेस उधर खड़ी है, पटना में ज़्यादा नहीं दिखते मुझे, बाकी जगह का नहीं पता, पर यहाँ पे देखो वर्सेस खड़ी है कावासाकी की। और ये मतलब द बेस्ट स्पोर्ट टूरर है, और यहाँ पे देख के बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही टॉल बाइक है, ऐसे फोटोज में उतनी टॉल लगती नहीं है। निंजा 400 भी खड़ी, ये भी बहुत बड़ी फील होती है सामने से। तो यही सीन था, अब यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से हो सकता है हम घर ही जाएँ, श्याम ऑटो अब नहीं जाएंगे। गंदा काम किया भाई, ये क्या हरकत है, ये मतलब नंबर प्लेट लगाने के लिए बस इंडिया में एक अलग से ब्रैकेट दे रखा है भाई, इस पर कपड़े सूख जाएंगे। इनकी बाइक रेडी हो गई है, अब यहाँ से निकल रहा है। इनके में लगा हुआ है फुल सिस्टम एरो, तो अभी उसका मेरे ख्याल से मजा आने वाला है। फायर शॉट आएगा ना भैया? बिल्कुल आएगा भाई। यहाँ सब टाटा बाय बाय होता है, ये निकलेंगे अपने काम से, हम निकलेंगे अपने काम से, इनका रात अभी बाकी है, हम जाते हैं घर। रात बाकी, बात बाकी। अरे भाई धन्यवाद। तो ये कान में सीटी बज चुका है मेरे, पता नहीं आप लोगों का आवाज आया कि नहीं आया। सो गाइज हियर वी गो, और वो बहुत ही गिट्टी उछाल रही है भाई, उसका टायर है ना जो बहुत ज़्यादा गिट्टी फेंक रहा है भाई। ये निकल कैसे जाते हैं ये लोग भाई, ये लोग निकल कैसे जाते हैं इन सब जगह से, अब तो हम चाह के भी नहीं पकड़ सकते। बोल रहे हैं मेरा टॉप स्पीड आपका पहला गियर, सेकंड 130 जाता है। अच्छा ओ अच्छी बाइक, क्या किसी अगल बगल की साउंड नहीं आ रही है। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।